वही लोग भर्ती होते हैं जो या तो किसान के बच्चे होते हैं या किसी शिक्षक के घर से होते हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी नेता के घर से कोई हो। 100 में से मुझे लगता है कि 0.1% कोई होगा। जैसे हाल ही में गोरखपुर से सांसद रवि किशन जी की सुपुत्री अग्निवीर योजना में शामिल हुई। बाकी मुझे लगता है कि सदियों से किसी नेता का कोई बेटा सेना में जाना पसंद नहीं करता। काजल ने बताया कि गोली तो केवल किसान के ही बच्चे खाते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं और आप भी सहमत होंगे। तभी सेना के जवान की जब श्रद्धांजलि होती है उसकी माँ क्या कहती है, क्योंकि घर में वही एक होता है जो घर को चलाता है। उसकी माँ क्या कहती है, उसकी बहन क्या कहती होगी, उसका भाई क्या कहता होगा, या वो सेना का जवान जो शहीद हुआ होगा उसकी आत्मा स्वर्ग लोक से क्या कहती होगी। मैं कवि कुमार मनोज की एक पंक्तियां मुझे याद आ गई, उस बात से बताना चाहता हूँ। बहुत ही मार्मिक बात है कि अक्सर शहीद की माँ क्या कहती होगी या शहीद की आत्मा। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गई। जब एक शहीद मरता है, एक वीर मरता है, तब क्या कहते हैं, सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ कि जिस्म का पता ही नहीं, ऐसा विस्फोट हुआ कि जिस्म का पता ही नहीं, पूरे पूरे जिस्म की तो बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है किंतु मेरे परिवार की तो रोटियां चली गई, मेरे परिवार की तो रोटियां चली गई, मेरे परिवार की तो रोटियां चली गई। तो इस तरीके से एक शहीद का घर अक्सर ये मिलाप करता होगा। आइए साक्षी और रूपांची से निवेदन करना चाहता हूँ, एक बहुत ही प्यारा सुमधुर गीत आपके बीच में ला रही है। साथी घर आकर जाकर मत कहना, एक बार दो तार तालियां साक्षी और रूपांची के लिए। क्लास 10 और पास